मालदीव्स ने इंडियंस का इंसल्ट किया और हम सब ने एक होकर मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया। इससे उनको इतना बड़ा इम्पेक्ट पड़ा कि उन्होंने तुरंत हमसे माफी मांग ली। लेकिन जस्टिस इज स्टिल नॉट सोन, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आई एम श्योर आपका मालदीव्स को लेकर पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा। मुझे तो ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट मिली है जो ये क्लेम कर रही है कि इंडिया में 2 बार 26 ग्यारह जैसे अटैक होने वाले थे, जिसके पीछे हाथ था कुछ टेररिस्टिक, बट फॉर्चुनेटली उसे सही टाइम पर रोक दिया गया। इसके अलावा भी इंडिया के ऑफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से लश्कर ए तैयबा जैसे एक एंटी इंडिया टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नया हब बनते जा रहा है। सो माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, उनकी माफी मांगने के बाद भी कैन वी रियली ट्रस्ट मालदीव्स? फाइनली इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मालदीव्स के माफी मांगने के बाद भी क्या हम इंडियंस को इन्हें माफ कर देना चाहिए। सो जैसे मैंने कहा, हमें 2 ऐसी रिपोर्ट मिली है जो ये क्लेम कर रही है कि इंडिया में 2 बार 26 ग्यारह जैसे टेरर अटैक होने वाले थे, जिसकी प्लानिंग में कुछ मालदीव्स का भी हाथ था, बट फॉर्चुनेटली इसे रोक दिया गया। ये दोनों रिपोर्ट भी एक्सट्रीमली क्रेडिबल है, क्योंकि एक तो खुद की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई थी, और दूसरी है इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट जो रेडिफ में पब्लिश हुई थी। इन दोनों रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन दोनों रिपोर्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट देखते हैं। नवंबर 2013 में गवर्नमेंट ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को एक बहुत ही टाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर की। इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में उनकी गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने अपने ही देश के 8 सिटीजन्स को अरेस्ट किया है जो सी रूट से इंडिया जाने वाले थे, क्योंकि उनका प्लान था इंडिया के किसी एक सदर्न सिटी पर एक बड़ा अटैक प्लान करना। इस पूरे अटैक के पीछे पाकिस्तान के LED यानी लश्कर ए तैयबा का भी हाथ था। इनफेक्ट 8 में से 3 तो खुद से ही पाकिस्तान में ट्रेन होकर आए थे। ये बात ही 2013 में एक अटैक प्लानिंग की जो अपॉर्चुनेटली रोक दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की दूसरी रिपोर्ट की, इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। सो 2011 यानी ये जो 2013 अटैक अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, उसके ठीक 2 साल पहले IB की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि काफी बड़ा एंटी इंडिया टेरर एक सिस्टम से ऑपरेट हो रहा था। सो उस रिपोर्ट के हिसाब से 2007 में सुल्तान पार्क में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। अब ऑफकोर्स ये ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इनसिक्योरिटी एजेंसी को पहली बार इसी ब्लास्ट में कुछ क्लू मिले कि मालदीव से भी इंडिया में टेररिज्म फैलाया जा रहा है। जब मालदीव में खुद बम ब्लास्ट हुआ था तो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को वहाँ पे क्या क्लोज मिले? सो जब उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये पता चला कि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी मॉड्यूल्स में कई सारे टेरर मॉड्यूल्स फॉर्म कर लिए हैं ताकि वो इंडिया में टेररिज्म फैला सके। नाउ इस मॉड्यूल्स का बेसिकली मतलब हुआ एक्टिव टेररिस्ट छोटे छोटे ग्रुप जिसे ऑपरेशन के सारे ऑर्डर पाकिस्तान में सिचुएटेड हेडक्वार्टर से मिलेंगे। मॉड्यूल्स में आप समझ लो 2 से लेकर कितने भी टेररिस्ट मिलकर एक मॉड्यूल फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे में एट अ टाइम मल्टीपल मॉड्यूल यूजुअली ऑपरेशन होते हैं जो सब लोग साथ में मिलकर एक ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं ताकि 1-2 मॉड्यूल बस्ट भी हो जाए, पकड़ा भी जाए तो बाकी एक्टिव रहे, प्लान इनफेक्ट सक्सेसफुल हो। उसी IB की रिपोर्ट में ये भी पता चला कि मालदीव्स में ये जो एंटी इंडिया मॉड्यूल ऑपरेट हो रहे थे ना, वो नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात तो ये है कि ये सारे मॉड्यूल आइडियोलॉजिकली काफी रेडिकल है, लेकिन ये इंडिया में एक सीबोन अटैक लॉन्च कर सकते थे जो एक्चुअली इंडिया के लिए फाइट बैक करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फॉर्चुनेटली IB के इसी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एक मालदीवियन टेररिस्ट आसिफ इब्राहिम को केरला में पकड़ लिया, क्योंकि उससे उनको काफी सारे इंसाइडर डिटेल्स मिल गई। और केरला में स्पेशली ये मालदीव इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मालदीव से सी रूट से केरला पहुंचना काफी इजी होता है। देखो आसिफ मालदीव में आया कोई नॉर्मल टूरिस्ट नहीं था, बल्कि केरला में वो लश्कर ए तैयबा का एक ही ऑपरेटिव था। उसे इंट्रोगेशन में ये रिवील किया कि लश्कर ने अपना एक शेडो आउटफिट बनाया हुआ है जिसका नाम जमाती मुस्लिमीन, जो मालदीव एंड इंडिया के बीच ऑपरेशनल ब्रिज का काम करता है। यानी जो भी यहाँ पे टारगेट डिसाइड होते हैं, जो भी अटैक डिसाइड होते हैं, उन सब की प्लानिंग ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। आसिफ से ये भी बात मालूम पड़ी कि इंडिया में स्पेसिफिकली केरला में ये एक्टिविटी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेशन मेजोरिटी ऑपरेशन मालदीव से ही हो रहे होते हैं, उनको फंडिंग हवाला सिस्टम के थ्रू केरला से ही मिल रही थी। उस रिपोर्ट में ये भी क्लियरली मेंशन था कि LET यानी लश्कर ए तैयबा अब पाकिस्तान में अपना बेस शिफ्ट करके अपना नया बेस मालदीव में बनाना चाहता है, और ये कर पाने के लिए इंडिया में बेस्ड अपने टेरर मॉड्यूल को काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। स्पेशली ऑल आईज आर ऑन तिरुवनंतपुरम, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी JSA-e-Mohammed का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो ये थी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की डिटेल रिपोर्ट। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने मित्रों यारों रिश्तेदारों से शेयर करते हुए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।